इस समय चुनाव का पर्व चल रहा है। दिल्ली में आने वाली 25 मई को चुनाव है। इसको लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रत्याशी अपने नामांकन के पश्चात ही सभी क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें, भाजपा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए स्टार प्रचार भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें नेता, मंत्री और सीएम तक शामिल हो रहे हैं। वो स्टार प्रचारक समर्थन के लिए होते हैं। इसी बीच पूर्वी दिल्ली के लोकसभा भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के प्रचार में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, जहां जैन समाज के साथ उनकी भक्ति आराध्य और संस्कृति को लेकर कार्यक्रम रहा, जिसमें शामिल होने पहुंचे पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी सहित राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, जिन्होंने कार्यक्रम के समर्थन की मांग करते हुए जैन समाज को अपना मोदी का परिवार बताया। कहा, जैन समाज शुरू से ही भाजपा का सम्मिलित परिवार रहा है, उनसे भाजपा को भरपूर समर्थन मिलता है, इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस बार फिर से अपना समर्थन भाजपा के प्रति दिखाएं और 7 सीटों पर भाजपा को विजयी बनाएं, फिर मोदी जी पीएम पद की शपथ लें। देखिए दिल्ली पंजाब केसी से संजीव की रिपोर्ट। दिल्ली में आप लगातार दूसरी बार आए हैं, क्या लग रहा है सर, दिल्ली में कौन सी सीटें होंगी? देखिए, आप सभी को पता है और आप देख रहे हैं, मैं आज हर्ष मल्होत्रा जी के चुनाव प्रचार में मैं यहाँ आया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ मुझे जिस तरह का उत्साह और उमंग दिख रहा है और जिस तरह का दिल्ली का पूरा वातावरण दिख रहा है, हम दिल्ली की सातों की सातें सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें राजस्थानी प्रवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। मैंने आज सभी हमारे प्रवासी बंधुओं से आग्रह किया है कि आप सभी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। निश्चित रूप से जो उत्साह उमंग मैंने देखा है, जैसा मैंने आपसे कहा है, दिल्ली के अंदर हमारी सातों की सात सीटें बीजेपी जीतेगी। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।